कब आए? आपने मेरी स्पीच सुनी? देखो मुझे क्या मिला, पता है मैं कैसे जीता? मेरे फ्रेंड ने मुझे जिताया। आपने कुछ नहीं दिया। क्या चाहिए आपको? आइसक्रीम। ठीक है, चलो आज हम तीनों आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? चलो। अभी अगर दिल्ली से आ गई ना, आप मेरे साथ नहीं सोओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल कल की कहानी फिनिश करो। अरे सुनाई तो थी। मैं तो आज ही सुन के सो गया था। खुश, कौन सी कहानी? मैं सुना देती हूँ। डायनासोर की स्टोरी। एंड आपको नहीं आती, सिर्फ फ्रेंड को आती है ना फ्रेंड? प्लीज प्लीज कहानी सुनाना। ओके ओके, चलो मेरे साथ। Good night, Em. Good night. God, जब भी मुझे पूछेंगे कि तुम्हें कैसा फादर चाहिए, तो मैं बोलूंगा मेरे फ्रेंड जैसा। मैं जब दिल्ली से लौटूंगी तो हम डिवोर्स ले लेंगे, अपने लिए ना सही लेकिन कुछ के लिए तुम्हें ये रिश्ता निभाना होगा। अपने घर आ जाता है, सब बहुत खुश होते हैं। अरे मुझे लगा तुम सो गए, इसलिए आप जा रहे थे ना? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा है, मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। प्रॉमिस? अब मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, अब तुम मेरी बात मानो, सो जाओ ठीक है? फ्रेंड, मैं आपको डैड बोलूं? बोलो ना फ्रेंड, मैं आपको डैड बोलूं? जैसे एम्स मेरी मम्मा बनी है, वैसे आप मेरे फादर बन जाओ। आई डोंट नो फादर कैसे होते हैं, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, बट आई हैव अ फ्रेंड, आई लव माय फ्रेंड वेरी मच। बोलो ना फ्रेंड। थैंक यू डैड। चलो अब तुम सो जाओ ठीक है? ओके डैड। गुड नाइट डैड। ये चश्मा उतार दो। गुड बॉय। बाय अंकल, आज स्कूल से आके आपके पास ही आऊंगा। तो मेरे साथ कौन रहेगा? मैं आपको भी ले जाऊंगा। बाय अंकल।
आंटी जी, बाय डैड। बाय बेटा। खुश चलो वरना हमें देर हो जाएगी। एक मिनट, आप मेरे डैड हो ना, तो पेरेंट्स मीटिंग में चलो, सारे बच्चों की मम्मा पप्पा आते हैं, आप भी चलो ना। मीटी तो कुछ नहीं कहेगी, वो बहुत अच्छी है। हैंस, डैड भी हमारे साथ चल रहे हैं। चलो डैड। इस नन्ही सी जान ने कितनी जिंदगी आसान कर दी है ना। आयुष, थैंक यू, तुमने दो दिन कुछ का ख्याल रखा। नहीं काव्या, प्लीज थैंक यू मत कहो, मुझे कुछ के साथ रहना अच्छा लगता है। काव्या, कल कुछ मुझसे पूछ रहा था कि क्या वो मुझे डैड कह सकता है। काव्या, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन कुश ने मुझे इतनी मासूमियत से पूछा कि मैं उसे मना नहीं कर पाया। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता काव्या, तो मैं मना कर दूंगा उसे। अच्छा, मुझे वरदान जाना है, तुम साथ चल रही हो? नहीं, मुझे स्पोर्ट्स टीचर से मिलना है, तुम चलो। ठीक है, वरदान में मिलते हैं। क्या हो गया भगवान, ये किस मुश्किल में डाल दिया आयुष को। कुछ तो उसे अपना पिता मानने लगा है, अब मैं क्या करूं? कैसे आयुष को उसका सच्चा प्यार दिलवाऊं? कैसे कुछ को ये समझाऊं कि आयुष से इतना प्यार ना करे? ये किस दोराहे पे खड़ा कर दिया है मुझे, अब मुझे आप ही रास्ता दिखाइए। बुधी, पेंटिंग का काम भी खत्म करना है और फर्नीचर का सामान भी लेके। तैयारियां कैसे चल रही हैं आकांक्षा की? बस चल रही हैं। और मेरा भाई अच्छे से काम कर रहा है ना? खुद ही पूछ लो।
वैसे ही इज हेल्पिंग मी अ लॉट। वैसे लंच के लिए हम लोग कैंटीन चल रहे हैं, तुम चलोगे हमारे साथ? नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, तुम अपना काम खत्म कर लो, हम लोग चलते हैं। चलें बुधी। कब तक आयुष के लिए रोती रहोगी सोनिया, कब तक? मैं वादा करता हूं कि आयुष को तुम्हारी जिंदगी से इतना अलग कर दूंगा कि फिर कोई आंसू इन आंखों से उसके लिए नहीं टपकेगा। स्वयं अपनी चालों से मेरे खुश को मुझसे चीर लेगा। काव्या, इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। कुश की कस्टडी के कानूनी कागजात काव्य को तभी जारी किए जाएंगे जब डॉक्टर काव्य और डॉक्टर आयुष्मान अपनी शादी के दस्तावेज अदालत में पेश करें। और जब भी मुझे पूछेंगे कि तुम्हें कैसा फादर चाहिए, तो मैं बोलूंगा मेरे फ्रेंड जैसा। बोलो ना फ्रेंड, मैं आपको डैड बोलूं? हाँ। मैं जानती हूँ तू अपनी बेबसी पर रो रहा है, कोई तुझे समझे ना समझे, मैं समझती हूँ बेटा। कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं जो भी करूंगा किसी ना किसी को दुख पहुंचेगा। मैं काव्या को दुख पहुंचाना चाहता हूं और मैं ही सोनिया को दुखी देख सकता हूं। मैं क्या करूंगा? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं आयुष, करने वाला तो वो है। मैं जानती हूं किन हालात में तुम दोनों ने शादी की। जो जिम्मेदारी तूने जल्दबाजी में ले ली, वो जिम्मेदारी दो दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए है बेटा। आयुष, मैं जानती हूं मेरा बेटा ये जिम्मेदारी छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। तुमने ये जिम्मेदारी ली है आयुष, इस जिम्मेदारी के साथ तुझे आगे बढ़ना होगा। सोच रहे हो आयुष? यही कि शायद सोनिया सही कह रही थी। काव्या, किस्मत में जो लिखा है वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। लेकिन आयुष क्यों? अगर एक नए सिरे से ही जीना है तो सोनिया और तुम जिंदगी को एक नए सिरे से क्यों नहीं जीते? सोनिया ये क्यों नहीं समझती कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी और वो जानती भी है कि किन हालातों में हमारी शादी हुई? आयुष, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि ये दोस्ती हमेशा बनी रहे। काव्या, हमारी दोस्ती जैसी थी वैसी ही है। तुम्हें इस बात की चिंता हो रही होगी कि कहीं कुछ मुझसे ज्यादा अटैच हो गया तो क्या होगा, कहीं कुछ की खुशी के लिए मैं डिवोर्स लेने से मना ना कर दूं, कहीं फिर से अपनी ये खुशियां सैक्रिफाइस ना कर दो, यही सोच रही हो ना? तो नहीं काव्या, शायद हम एक दूसरे के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं हंसता हूं तो तुम उस हंसी को नहीं
बल्कि उस हंसी के पीछे जो वजह है उसे देखने की कोशिश करती हूं। और शायद अब मैं भी यही करता हूं। इसीलिए हम एक दूसरे की हंसी में एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते। आयुष, मैं तुम्हारी हंसी में तुम्हारा साथ देना चाहती हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारे चेहरे पर जो परेशानी है वो मेरे कारण है। नहीं काव्या, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारे कारण परेशान बिल्कुल नहीं, मैं बस इन हालात को समझना चाहता हूं। काव्या, तुम मेरी दोस्त हो और तुमने हमेशा मेरी मदद की है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त मिली। काव्या, हालात ने हमें जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है उससे आगे बढ़ना है हमें। किस्मत ने हमें इस बंधन में बांधा है और हमें यह रिश्ता निभाना होगा, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। काव्या, खुश को हमारी जरूरत है और हम दोनों मिलकर उसे खुशियां देंगे। बोलो काव्या, हम खुश रहेंगे ना? हाय, हम हमेशा खुश रहेंगे। सोनिया, सोनिया, मैं नहीं जानता कि ये मेरी हार है या जीत, या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। गीता में लिखा है कि कर्म करो, उसके फल के बारे में चिंता मत करो। मैंने वही किया, मैं जो चाहता था मुझे वो नहीं मिला। मैं नहीं जानता कि अपने आप को किस्मत के हवाले कर देना सही है या गलत, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ दूंगा। सोनिया, तुम हमेशा चाहती थी ना कि मैं काव्या को दिए हुए उन वचनों का पालन करूं। मैंने फैसला कर लिया है कि काव्या को दिए हुए वो सारे वचनों का मैं पालन करूंगा। आयुष, ये तुम्हारी हार नहीं, और प्लीज कभी भी इसे अपनी हार मत समझना। ये तो तुम्हारी जीत है। तुमने अपने स्वार्थ को जीत लिया आयुष, और मैं खुश हूं कि तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए। सोनिया, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। तुमने मुझे इतनी खुशियां दी हैं कि उसके आगे ये गम बहुत छोटे लगते हैं। आज से तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे, अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ो। हाँ सोनिया, सब कुछ भूलकर मैं इस जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं। तुमसे वादा करता हूं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा मैं। लेकिन एक बात और सोनिया, तुम ही मेरा प्यार थी और तुम ही मेरा प्यार रहोगी। इस जन्म में ना सही सोनिया, लेकिन अगले सातों जन्मों में तुम सिर्फ मेरी होगी। किस्मत बार बार धोखा नहीं दे सकती मुझे। तुम हंसते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो, उदासी तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल सूट नहीं होती। अब जब भी तुम मुझसे मिलो तो हंसते हुए मिलो। जाओ, घर जाओ, जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है।